हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारी ऑनगोइंग सी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे हमारे दूसरे चैनल जो कि एनिमे फ्लेक्स प्रो है उस पे जाके देख सकते हैं, जो कि आज ही रिलीज हो जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो हमारे दूसरे चैनल एनिमे फ्लेक्स प्रो पे अब आगे से कंटिन्यू की जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इस अमेजिंग सीरीज को देखना ना भूलें। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि फेंग में उस बाई वैली के डीप में जो एक ट्रेजर नुमा लोटस फ्लावर होती है उसके अंदर जा चुका होता है, और उसके अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा छोटू सा क्रिएचर दिखता है। ऐसे ही फेंग में ने उसे टच किया होता है, उस क्रिएचर ने फेंग में की उंगलियां चबा ली थी। अब यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें उन दोनों बहनों को यानी कि लियार और सियार को दिखाया जाता है, जो कि फेंगमी को ही लेकर के एक दूसरे से लड़ रही होती है। सियार फेंगमी को बचाना चाहती है, लेकिन लियार यहां फेंगमी को मारना चाहती है। और फाइनली यहां लियार को अपनी गलती का एहसास होता है, और ये समझते ही कि सियार की काफी बार फेंगमी ने मदद की थी, इसलिए अब ज्यादा देर तक वो फेंगमी को अपने कैद में नहीं रखेगी और वो उसे छोड़ने के लिए जा रही है। और जैसे ही वो अपने लोटस वाले ट्रेजर्स के ऊपर से वो जो फोटो वाला पोर्ट्रेट होता है जादू को हटाने के लिए कोशिश करती है, उसे समझ में आ जाता है कि फेंगमी ने इस लोटस के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ कर दी है। इसके कारण वो अपने इस पोर्ट्रेट के मैजिक को नहीं हटा सक रही। अब आगे ये दोनों बहनें उस लोटस के अंदर जाती है ये देखने के लिए कि आखिर फेंगमी ने वहाँ पे ऐसा क्या कर दिया है। इसी बीच यहाँ पे ये सीन कट होता है, और उसी टाइम हम देखते हैं कि वो एक कबीले का जो एल्डर होता है, जिसने सभी को इस वैली में अंदर आने के लिए परमिशन दी थी ताकि सभी लोग अपनी एबिलिटीज के हिसाब से यहाँ के ट्रेजर्स को पा सके, वो एल्डर खुद भी इस वैली में आ चुका होता है उसी ट्रेजर की लालच में। अब आगे हमें सीन यहाँ उस लोटस ट्रेजर के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ फेंगमी पे वो छोटा सा क्रिएचर जिसे सभी रेड बीट कह रहे होते हैं, इससे निपटना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। अब इसकी मदद करने के लिए यहाँ सियार आगे बढ़ती है, लेकिन फेंगमी उसे ये कहते हुए रोक देता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम यहाँ पे पास मत आओ। लेकिन सियार यहाँ पे एक सच्ची दोस्त होने के नाते वो फेंगमी को ऐसे खतरे में कैसे छोड़ सकती थी। हालांकि वो अभी अभी अपने डीप स्लीप से जागी है, लेकिन यहाँ फेंगमी फेंगमी की मदद करने के लिए उस रेड बीट वाले क्रिएचर पे अटैक करने लगती है, ताकि वो फेंगमी को अपने गिरफ्त से छोड़ दे। जिसपे यहाँ उसकी बहन लियार उसे कहती है कि एल्डर सिस्टर, आप अभी अभी अपनी इंजरीज से उठी हैं, और अभी आपके अंदर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि आप फेंगमी की मदद कर पाएंगी। इसीलिए लियार भी यहाँ फेंगमी को बचाने के लिए अपनी सिस्टर की मदद करने लगती है। अब यहाँ पे सियार उसे कहती है कि तुम्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ। इस पे लियार उन्हें बताती है कि ये जो रेड बीड है, ये उसी का बनाया गया एक क्रिएचर है, अगर वो खुद अपने बनाए गए क्रिएचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो उसकी बहन ने उसे लगता है अंडर एस्टिमेट कर दिया है। और आगे लियार उस क्रिएचर के बारे में बताती है कि वो पिछले 10,000 सालों से इसी क्रिएचर का यूज करके प्रैक्टिस कर रही है यहाँ इस लोटस के अंदर, तो उसके लिए इसे काबू कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिसपे सियार उससे कहती है कि तुम कभी मेरी एडवाइस नहीं सुनती, ना ही कभी तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया है, जैसा कि छोटी बहनें हमेशा करती हैं। अब आगे फेंगमी के लिए भी उस छोटू से बीट को संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए अपनी स्पिरिचुअल क्रिएचर मीरो को समन करता है। अब उस मर्तबान से मीरो निकलती है और उस क्रिएचर वाले बीट को यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर काफी ज्यादा जिद्दी होता है, वो फेंगमी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। अब आगे सभी लोग इस क्रिएचर को हराने में इधर लगे होते हैं, जिससे यहाँ सियार समझ जाती है कि अगर थोड़ी देर तक किसी तरह और चलता रहा तो ये जो रेड बीट नामक एक क्रिएचर है, ये हम सभी की एनर्जी को सक कर लेगा। अब सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ उसे रोकने के लिए लगी पड़ी होती है, जिससे उस पूरे हॉल के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रवाह हो जाता है और सारी चीजें फ्लक्चुएट होने लगती हैं। इधर जो फेंगमी होता है वो मीरो को ऑर्डर देता है कि वो अपने 5 ड्रैगन स्प्रिट का यूज करे, और खुद यहाँ फेंगमी अपने आप से कह रहा होता है कि उसने काफी सालों तक ची एनर्जी की प्रैक्टिस की है और इस तरह के कई ट्रेजर्स को काबू किया है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटे से पर्ल से यहाँ पे फेंगमी हार जाए। आगे फेंगमी अपने 5 ड्रैगन स्प्रिट का यूज करता है, और आखिरकार फाइनली हम देखते हैं कि उस छोटू से पर्ल ने फेंगमी को अपने शिकंजे से छोड़ दिया होता है। लेकिन ऐसा करने में फेंगमी की बहुत सारी एनर्जी लॉस हो चुकी होती है, इसलिए वो थक के नीचे गिर जाता है कि तभी सियार उसे संभालती है। आगे हम फेंगमी को अपने स्पिरिचुअल माइंड के अंदर देखते हैं, जहां वो अपनी एनर्जी को वापस से रिगेन करने की कोशिश करता है। अब आगे फेंगमी ने उस बीट के भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जो कि काफी ज्यादा होती है, और इसी का यूज करके वो अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। अब आगे वो कल्टीवेशन शुरू करता है और अपनी ची एनर्जी को अब और भी ज्यादा कंडेंस कर चुका होता है।
जिससे अब वो किसी भी तरह के डेमन्स और इवल से आसानी से फाइट कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी को होश आता है और वो उठते ही यहाँ सियार से पूछता है कि उसकी इंजरीज कैसी हैं, जिस पे सियार उसे बताती है कि उसने उस येन नरिशिंग वुड टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए अब उसकी कंडीशन पहले से कई ज्यादा अच्छी है। आगे वो अभी भी लियार को फेरी कह के बुला रहा होता है और यहाँ सियार से पूछता है कि क्या वो फेरी अब भी मुझसे गुस्सा है और इतनी ज्यादा मुझसे खफा है कि वो फिर से मुझे यहाँ पे बांध करके रखेगी, जिसपे सियार उसे बताती है कि उसकी जो बहन है वो इसी मिजाज की है, लेकिन इसकी चिंता मत करो, उसकी जुबान थोड़ी तेज है लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा कोमल है और वो यहाँ तुमसे पर्सनली माफी मांगने भी आई है। लेकिन इससे पहले यहाँ लियार उन दोनों से कुछ कह पाती, बेहोश होकर के वो वहीं गिर जाती है। उसकी बहन सियार आकर के उसे संभालती है और उसे पता चलता है ये जो रेड बीड वाला क्रिएचर था, इसी की वजह से अब तक लियार जिंदा थी। इसके इस तरह से घायल हो जाने की वजह से उसकी ये कंडीशन आ गई है, इसीलिए सियार यहाँ फेंगमी से कहती है कि क्या वो इस रेड बीड को रिफाइन कर सकता है, क्योंकि यही रेड बीड यहाँ पे 10,000 साल पुराना है और अब तक इस स्क्रॉल के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा था और लियार जो थी वो पूरी तरह से इसी रेड बीड पे निर्भर थी ताकि वो एक फाइनली ह्यूमन बीइंग बन सके और लियार की पूरी स्पिरिचुअल पावर इसी रेड बीड पे ही डिपेंडेंट थी। इसी रेड बीड के इम्प्लिकेटेड होने के कारण लियार की ऐसी हालत हो गई है कि वो इंजर्ड होकर के यहाँ बेहोश हो गई है, जिस पे फेंगमी उसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो कोई नहीं, मैं इसे तुरंत ठीक कर देता हूँ और वैसे भी मैं एक ऐसा एल्केमी मास्टर हूँ जो कि किसी भी वेपन को आसानी से रिफाइन कर सकता है। अब आगे जब तक फेंगमी अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन का यूज करके उस रेड बीट को एक बड़े से फर्नेस में रिफाइन कर रहा है, आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अब से ये जो सीरीज है वो हमारे अगली चैनल एनिमे फ्लेक्स प्रो पे आएगी, क्योंकि गाइस हमारे इस चैनल पे बहुत ही सारी सीरीज चलाई जा रही है, इसके लिए इस सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए जो भी इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने के साथ साथ कमेंट में भी पिन कर दिया है। और आपसे इसके प्रीवियस एपिसोड्स मिस ना हो जाए, इसके लिए अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ से आप इसके सारे एपिसोड्स को एक ही साथ चेकआउट कर सकते हो और इस अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट ले सकते हो। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आगे फेंगमी को हम देखते हैं कि वो अपने उस बड़े से एल्केमी पॉट में उस रेड बीट को रिफाइन कर रहा होता है, लेकिन रिफाइन करते हुए वो ये सोचता है इस लिगार को तो यहाँ पे जागना ही होगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे अभी इससे पूछना बाकी है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम उसी एल्डर को अब उस लोटस के सामने आता हुआ देखते हैं, जो कि अपने चेलों से कह रहा होता है कि फाइनली आज उसने इस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढ लिया है, जो कि एक्चुअल में ये रेयर पेंटिंग स्प्रिट है, कि तभी वहाँ पे कोई छुपके से इनकी बातों को सुन रहा होता है जो इस सीक्रेट ट्रेजर को लेने के लिए वहाँ पे आया था। उस एल्डर ने उस पे अटैक करके इसका भेद खोल दिया होता है। वो एक बंदा होता है जो यहाँ उस एल्डर से कहता है कि मैं यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, जिसपे वो एल्डर उसे पूछता है कि तो फिर इतने सीक्रेट तरीके से यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी जब तुम कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। अब आगे इन दोनों की यहाँ भी स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पे अटैक करके दोनों ही अटैक्स को नलीफाई कर देते हैं, कि तभी जुआन पे यहाँ अपने सम्मोहन का जादू टूटता है और वो होश में आता है। अब आगे वो बंदा जिसका नाम जिंगही है वो उस एल्डर को रुकने के लिए कहता है और उसके सामने ये प्रस्ताव रखता है कि मैंने हाल ही में ये पता लगाया है कि मेरे सेट का एक लॉस्ट मैजिकल वेपन हुआ करता था जो कि इसी पेंटिंग के स्प्रिट ने यूज्ड कर लिया है, इसीलिए मैं अपने सेट के उस मैजिक स्प्रिट को वापस से पाने के लिए इस पेंटिंग स्प्रिट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे साथ में मिलकर के काम करें ताकि तुम यहाँ इस टोटस के अंडर के ट्रेजर को ले लो और मैं उस पेंटिंग स्प्रिट को ले लूँ, दोनों की ही जो जो जरूरतें हैं वो उन्हें मिल जाएंगी और दोनों का ही फायदा होगा। जिसपे वो एल्डर यहाँ अपने मन में अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है, वो ये सोचता है कि क्यों ना हम इस बंदे को ही एक शील्ड की तरह यूज करें और फिर बाद में उस पिक्चर स्क्रॉल को बैरियर को तोड़ करके उसे हासिल कर लें। अब ये सोचते हुए वो उस जिंगी के प्रपोजल को मान जाता है और दोनों दिखावे के लिए ही यहाँ पे साथ में काम करने के लिए डिसाइड करते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पे एक भयानक सी आवाज डराती है जो उनसे कह रही होती है कि किसकी इतनी मजाल हुई मुझे यहाँ पे ऑफेंड करने की, और इस भारी भरकम आवाज के साथ ही इस एपिसोड को यहीं पे फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो हमारे दूसरे चैनल एनिमे फ्लेक्स प्रो पे अब आगे से कंटिन्यू की जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इस अमेजिंग सीरीज को देखना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे दूसरे चैनल पे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।